हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे मॉर्निंग का रूटीन मेरा चालू हो चुका है और आज रात को ना बहुत तेज़ी से बारिश पड़ी थी, तो सारा कुछ इतना इतना फैल गया है कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कितना सारा पानी फैलने की वजह से, मतलब इतना सारा पानी आया ना कि हमारी जीने पर पूरा सब सारे पे मसाला मसाला मिट्टी मिट्टी हो गई है। और देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले ग्वार की फलियों को मैं यहाँ पर धुल के रख दे रही हूँ उबलने के लिए। वो क्या है ना, मैं जब तक साफ़ सफाई करूँगी तब तक ये ना बॉयल हो जाएंगी, क्योंकि सबके लिए खाना बनाना, तो एक तरफ मैं यहाँ पे फरियों को बॉयल होने के लिए रख जाऊँगी और दूसरी तरफ मैं यहाँ की घर की साफ़ सफाई कर लूँगी, तो जल्दी काम हो जाएगा। फ्रेंड, इस तरीके से हर महिला ही करती है, जल्दी जल्दी की कोशिश करती है कि जल्दी से काम सारा निपट जाए। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा सफाई भी करनी है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो गई है घर में सारे में, या किचन की स्लिप पर जीने से जंगले से भी यहाँ से भी पानी आ गया था। तो पहले ये छोटी छोटी फलियाँ देसी, तो इनको मैं दो से तीन बार धुल के रख दूँगी, क्योंकि इनमें ना कीड़े कीड़े से थोड़े ज़्यादा थे, कीड़े नहीं होते, जो फूल फूल से होते हैं वो ज़्यादा थे, उनको सफाई से रखना है मुझे इनको। और अभी देखो, मैं अभी जो वॉइस ओवर कर रही थी तब ना बंदर की मतलब बोलने की आवाज़ आई थी, क्योंकि जो बंदर छत पर बैठे हुए थे मैं नीचे बैठी हुई थी। बंदर अधिकतर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आते हैं ठंडे मौसम में, हमारे घर में ऊपर आ जाते हैं बहुत ज़्यादा बंदर, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हमें बंदर, और हमें तो बहुत ज़्यादा डर लगता है बंदरों से, खा गए तो पता नहीं। तो इसलिए फ्रेंड, और देखिए यहाँ पे फली में कर दिया मैंने पानी, इनके साथ ना बहुत से आलू भी, मतलब आलू भी तला लेते हैं फलियों के साथ, आलू डालकर बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सादा ही बनाती हूँ, वैसे फली फली बनाती हूँ, आलू नहीं बनाती हूँ फ्राई करके। तो देखिए, मैं यहाँ पर फलियों को रख दूँगी, तब तक मैं साफ़ सफ़ाई अपनी झाड़ू करने लग जाऊँगी। हमने ना इनको कल ही दिन में साफ़ कर लिया था, वरना इनमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में, नुकाने में। बहुत बड़ी बड़ी फली आती है ना, जो उन्हें तो उबाल के निकाल देते हैं उनके जो तिनके होते हैं, लेकिन छोटी छोटी फली थी उन्हें ना हम हाथों से ही साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही झाड़ू और उसके बाद लगाऊँगी पोछा, तब तक ये फली ने ना एक सीटी आने तक बस मैं उबालूँगी। यहाँ पर किचन भी कर दी मैंने साफ़ साथ के साथ। आप लोग ना वीडियो नहीं देखते हो पूरा, बीच में स्किप ही कर देते हो, बस थोड़ा सा देखते हो शुरुआत में, तो ऐसा मत करिए फ्रेंड, पूरा वीडियो देखा करिए। आप लोग की सपोर्ट की तो बहुत ज़रूरत है छोटे छोटे यूट्यूबर को, तो प्लीज़ आप लोग अपना पूरा आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, पूरा वीडियो नहीं देखते, तो फ्रेंड ऐसा मत करिए, पूरा वीडियो देखा करिए। आपका एक वीडियो मतलब एक कमेंट एक लाइक तो ऐसा है कि हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि हाँ हमारा भी कोई वीडियो देख रहा है। तो फ्रेंड, वीडियो ना लाइक नहीं करते हो तो बीच में स्किप कर देते हो, ऐसा मत करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए। अब थोड़ा सा वीडियो देखते पूरा देखा करिए, आप लोग सपोर्ट करिए फ्रेंड थोड़ा सा मुझे। तो ऐसा देखिए, यहाँ पे मैं बता रही थी ना मैं कितना सारा पानी आया जीने से, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा। ये हमारा जीना ना अभी खुला है, तो यहाँ से ना पानी आ जाता है, और बजरपुर डला हुआ छत पर, तो वो ना बह बह के आ जाता है, उस वजह से यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती है, तो इसे मुझे साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी भी हो गई थी इसलिए, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे, मैं इतना सारा काम कर लेती हूँ जब बच्चे सोते हैं, वरना जग जाते हैं उसके बाद तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब कोई रोता है, कोई किसी को संभालना होता है, किसी को मुंह धुलाना होता है, खाना नाश्ता कराना पड़ता है, तो उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और बॉयल हो गई थी फरी, मैं यहाँ पे आ गई थी उनमें तड़का लगाने के लिए। मैं यहाँ पे अजवाइन से तड़का लगाती हूँ फरियों में, यहाँ पे डाल दी मैंने दो से तीन मिर्च, हरी मिर्च काट के। इन फरियों में ना हरी मिर्च ज़्यादा डालनी चाहिए, आपके पास लहसुन हो तो लहसुन भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी छोटी मीडियम साइज़ की। इस तरीके से पहले मैं इनको पका लूँगी हरी मिर्च और प्याज को, बाद में थोड़ा सा जो फरी मैंने बॉईल करके रखी थी उनको ना मैं थोड़ा सा उनमें से पानी निचोड़ दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा उनमें ना अपना पानी भर जाता है, उनको ना दबा दीजिए तो उनका पानी ना निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब तक मैंने पानी भर के लाई थी, मोटर भी चल रही थी, और देखिए पानी भर के लाई तो यहाँ पर प्याज थोड़ी जल गई है। यहाँ पर मैंने डाल दी फली, इसका मैंने पानी निकाल दिया है, अच्छे से इन्हें फ्राई कर दूँगी। अभी मैं मसाले बाद में डाल दूंगी। देखिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ गार की फरी, उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आएगी। इसमें मैं डाल दूंगी नमक, और बाद में डालूंगी धनिया पाउडर, लाल मिर्ची। तो देखिए यहाँ पे डाल दिया मैंने नमक, इसे भी मैं अच्छे से मिला दूंगी, और जो अभी सूखे मसाले मैं डालूंगी, देखिए यहाँ पे मैं डाल ली सारे सूखे मसाले, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, नॉर्मल जो भी मसाले होते हैं वो हम डाल देते हैं, लेकिन इसमें ना हल्दी नहीं डालते हैं, क्योंकि हरी सब्जी होती है ना उनमें हल्दी नहीं डालते हैं, बहुत कम डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, मेरी मम्मी नहीं डालती, तो मैं भी नहीं डालती हूँ। यहाँ पर बन गई मेरी फरी परफेक्ट, और फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताना किस तरीके से बनी है ये फरी।
अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, इतना सारा काम करने के बाद, क्योंकि साफ़ सफाई की थी ना, तो आज मैं थोड़ा देर से नहाई, क्योंकि पहले मैं नहा लेती थी, फिर मैं गंदी हो जाती फिर भी। तो मैंने यहाँ पे दिया जला रही हूँ दोबारा से, मेरे हस्बैंड करके चले गए पूजा, उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे बैठ गई थी पूजा करने, माला करने के लिए। और पूजा करने के बाद मैं सूर्य भगवान को जल देकर फिर नाश्ता करूँगी, आज मुझे थोड़ा टाइम लग गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूजा कर, यहाँ पे दिया जला दिया है, फिर करूँगी मैं माला। और फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताना किस किस के यहाँ पे बारिश हुई थी, लेकिन मेरे यहाँ पे दो दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है उस वजह से लाइट भी कम आ रही है, रात को भी लाइट चली गई थी। तो फ्रेंड आप सभी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान की कृपा से, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और देखिए अब मैं कर दूँगी यहाँ पर माला, मेरा माला का तो डेली का नियम है, मैं माला डेली ही जपती हूँ। तो माला ये है कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उन्हें उसको ना पूरा करना चाहिए, नियम से करना चाहिए, जैसे कि हम खाना खाते हैं नियम से, तो इसी तरीके से जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है उसको भी करना चाहिए, जैसे कि हम माला करते हैं, भजन पूजा पाठ डेली ही करना चाहिए सभी कार्य। तो यह मॉर्निंग का रूटीन मेरा, उम्मीद करूँगी कि आप सभी को पसंद आया होगा। उसके बाद आ गई थी मैं बच्चों को यहाँ पे नाश्ता कराने के लिए, तो मैं चाय बना के लेके आई थी, यहाँ ठंडा मौसम है, तो आज मैंने सोचा चलो मैं चाय बना लेती हूँ। तीनों बच्चे यहाँ पे मज़े से टीवी देख रहे हैं सुबह सुबह। तो देखिए छोटी वाली को देखिए कितनी चालाक है, वो सबसे पहले कही मुझे पीनी है चाय। तो देखिए सभी दोनों तीनों अभी बैठ गए हैं कि मम्मी मेरे लिए बना दो, मेरे लिए मुझे पिला दो। इनको ना छोटी छोटी बेटियाँ हैं ये दो, तो इनको तो मुझे हाथों से पिलाना खिलाना पड़ता है, बड़ी वाली को मैं दे दूँगी वो खुद से खा लेगी, और छोटी वाली एक रूठ रही है, सृष्टि है जो मेरी। तो यहाँ पे फ्रेंड ये हमारा प्यारा सा ब्लॉग है, छोटा सा, उम्मीद रहेगी आप सभी को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड उम्मीद करूँगी कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। और इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी, कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ। तो लेकिन अभी बच्चों में अभी झगड़ा हो रहा है कि मुझे खिला दो मुझे खिला दो, छोटी वाली की बेटी के झगड़े देख लीजिए नाटक, अभी कैसे लेटती है पूरे बेड पर। तो मुझे इसका ज़्यादा डर रहता है छोटी वाली का, मैं इसको अपने हाथों से ही खिलाऊँगी। यहाँ पे तीनों बच्चों को बिठा कर ही अपने हाथों से खिलाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि ये आपस में ना फैला भी लेंगे, चाय गर्म होती है वरना जल जाएंगे, अगर थोड़ी सी लापरवाही कर दो तो बच्चे के नुकसान हो जाता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हमेशा ही माँ को अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने हाथों से खिलाना चाहिए। बड़ी वाली को मैंने बिठा दिया नीचे, क्योंकि वो फैला देती है, उसका ध्यान थोड़ा टीवी में रहता है, तो वो भी नहीं मान रही है, वो भी अभी बिस्तर पर ही बैठ के खाएगी। तो मैं उससे डांट रही हूँ कि अभी बिस्तर में मत बैठ, क्योंकि फैला देगी, बिस्तर भी ख़राब हो जाएगा और ख़ुद भी जल जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरे बच्चों की चल रहा है नाश्ता, इनके बाद मैं भी करूँगी, बाद में खाऊँगी खाना। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, कल मिलूँगी, बाय बाय। और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग एक भी दूसरे को वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों को, तो वीडियो को ना लाइक भी करते जाइए, आप लोग ना लाइक नहीं करते हो, पूरा देखा करिए वीडियो को।